खरगोन के बड़वाह में नर्मदा किनारे रेत का अवैध उत्खनन जारी है। इसी के विरोध में ग्रामीणों ने विधायक सचिन बिरला को ज्ञापन दिया और कार्यवाही की मांग की है। विधायक ने ग्रामीणों की शिकायत पर तुरंत एक्शन लिया और जिम्मेदार अधिकारियों को कार्यवाही के निर्देश दिए। साथ ही सख्त लहजे में कहा कि केवल शासन द्वारा चिन्हित किए भूखंड पर ही रेत खनन करने दिया जाएगा। यदि अवैध उत्खनन क्षेत्र में किया गया तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। अवैध उत्खनन की शिकायत मिली है, क्या करेंगे आप कार्रवाई? सरकार ने, माइनिंग विभाग ने जो जमीनें चिन्हित की है, जो रकबा हम लोगों ने ठेकेदार को रेत निकालने के लिए दिया है, वहीं से रेत निकलवाएंगे। अगर दूसरी जगह रेत निकलते पाया गया उस पर कार्रवाई कराएंगे। और जितनी भी अवैध खदानें अभी हम लोग नावघाट खेड़ी, कटघड़ा, मोरल्ला, सेमरला और कपास, ये पांच जगह ऐसी हैं जहां पर रेत, अवैध रेत निकलती है। बरसों से शिकायतें हैं, इस बार ठेकेदार को ठेका हो गया है, चिन्हित जमीन से ही रेत निकाले और उस एरिया में जहां से रेत निकल रही है वहां पर उससे पोल गड़वाएंगे। उससे जमीन चिन्हित हुई है, सरकार के नियम कायदे कानून है जिसके तहत जो चिन्हित जमीन से ही केवल रेत निकाल सकते, दूसरी जगह से रेत नहीं निकाल सकते। और मजदूरों को काम दिलवाने का पूरा प्रयास करेंगे। आज हमारे इस कारोबार से जुड़े हुए मजदूर वर्ग है, वो परेशान है, उनको भी काम दिलाने का काम करेंगे। कई दिनों से शिकायतें आ रही थी, बीच में हम लोगों ने शराब बंद कराई, लेकिन वापस शराब माफियाओं के माध्यम से इस गांव में 7-8 जगह शराब बिक्री का आवेदन आया है, जिसमें 7-8 लोगों के नाम उन्होंने बताए हैं। हम लोग आबकारी के अधिकारियों को और पुलिस विभाग को अवगत कराएंगे कि वहाँ यहाँ पर शराब बंद है। सरकार ने 25,000 रुपये का दंड भी तय किया है, जो पकड़ाएगा उससे 25,000 रुपये किए ना, कितने किए, 25,000 रुपये वो दंड भी भरवाएंगे और उनको जेल भिजवाने का काम। बड़वाह से वाजिद खान की रिपोर्ट।